टाउन है तुम्हारा ए, एक टाउन है तुम्हारा बी और एक टाउन है तुम्हारा सी। ए टू बी जाने के तीन रास्ते हैं और बी टू सी जाने के दो रास्ते हैं। सो इफ आई आस्क यू कि ए टू सी जाने के कितने रास्ते हैं, नंबर ऑफ वेज कितने होंगे बताओ, एनीवन, हाउ मेनी वेज विल बी देयर टू रीच ए टू सी, कोई भी बताओ। फाइव, थ्री फाइव कौन बोला, नाम बताओ। हाँ सर अनुष्का उसका फाइव कैसे, सर, ए टू बी तीन और बी टू सी दो। इसको जोड़ दिया तुमने, हाँ ऐसा क्यों किया तुमने, बिल्कुल सुबह सुबह अभी लेट उठी हो क्या। नहीं सर, अब जैसे मान लो कि इफ तो तीन, मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ तीन किसने बोला था, वो कौन था, खुशी खुशी, वेरी गुड खुशी। हाँ तुम लोग जब सुबह नाश्ता हो सब ब्रेकफास्ट करते हो कि नहीं, सुबह उठ के पानी पियो, ब्रेकफास्ट करो, तब दिमाग सही काम करता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे नंबर ऑफ वेज काउंट करोगे फ्रॉम ए टू सी, तो ध्यान देना अगर आप ए टू बी अगर वन यूज करते हो, है ना, मैंने रास्तों का नाम दे दिया वन, तो वन के साथ ए और बी दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं बी टू सी जाने के लिए। तो वन के साथ ए और बी, इसी तरह से टू के साथ भी ए और बी, इसी तरह से थ्री के साथ भी ए और बी, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, थ्री इंटू टू ना, बोलो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, सिक्स। सिक्स। मतलब सिक्स इज नॉट इम्पोर्टेंट हियर, द इम्पोर्टेंट पार्ट इज कि मल्टीप्लिकेशन क्यों हो रहा है, ये बात समझ में आ रहा है। और अगर मैं, हाँ सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अगेन। यस, व्हाई नॉट, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको ए टू सी तक जाना है तो आप पहले ए टू बी तक तो पहुंचोगे ना, यहाँ पे ए टू बी तक जाने के लिए तीन रास्ते हैं, वन टू थ्री, यू कैन टेक एनी ऑफ दिस। और अगर आप फिर वन लेते हो तो आफ्टर वन, टेकिंग वन, जब आप बी पहुंच गए तो बी से आपको फिर दो रास्ते हैं ए एंड बी। सिमिलरली जब आप टू लेते हो तो टू के बाद भी आप ए एंड बी ले सकते हो, थ्री के बाद भी आप ए एंड बी ले सकते हो। टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, ये थ्री इंटू टू, ये बात समझ में आ रही है अभी, यस सर, यस सर, अभी समझ में आ गया सबको, ठीक है। अच्छा ये तो हुआ मल्टीप्लीकेशन का यूज, ठीक है। आपको ये आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि इन व्हाट केसेस यू नीड टू मल्टीप्लाई और इन व्हाट केसेस यू नीड टू ऐड। तो जैसे इसी कंडीशन में अगर हम ये ऐड करते हैं कि ए टू सी के लिए दो इंडिपेंडेंट रास्ते भी हैं, ठीक है। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि ए टू सी जाने के लिए टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं, तो क्या बताओगे, फोर फाइव कितना, फाइव, फाइव कौन बोला ये, हैं नाम बताओ जरा, राजी। तो मतलब ये फाइव कैसे बताया, जब ए टू सी जाने के लिए इस सेट से ही सिक्स है तो वो हट कैसे जाएगा, उससे कम कैसे हो जाएगा, उससे बढ़ेगा ना, मतलब छह रास्ते तो ये वाले हैं, हाँ छह रास्ते एट होगा, छह तो ये वाले रास्ते हैं जो ए टू सी तक, उसके बाद दो ये जो कि ऐड होगा वो मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है इनसे। तो जब चीजें इंडिपेंडेंट होती हैं तो हम उसको ऐड करते हैं, जब वो एक दूसरे से डिपेंडेंट होती है तो हम उसको मल्टीप्लाई करके, और इसको इंटरचेंजेबिलिटी भी कहते हैं कि वन के साथ ए और बी दोनों ले सकते हैं, सिमिलरली ए के साथ वन टू थ्री दोनों तीनों ले सकते हैं। तो इस केस में ये मल्टीप्लाई हुआ तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो है थ्री इंटू टू इस वाले से, इससे रास्ते से, और प्लस टू ये दोनों इंडिपेंडेंट रास्ते से, तो आपका ये टोटल नंबर ऑफ वेज जो हुआ वो एट हुआ। तुम्हें समझ में आया सबको, बताओ सर ये दो इंडिपेंडेंट कौन से रास्ते, ये वाला एक ये और एक ये, जो हमने अलग से ए टू सी तक पहुंचाया है ना, उसका नाम रख देते हम कैपिटल ए और कैपिटल बी, ये दो इंडिपेंडेंट रास्ते हैं इसलिए वो ऐड होगा, ठीक है, समझ में आया, जल्दी बताओ।
एवरीवन सर एक बार वापस बता दो, मैंने अभी ज्वाइन किया। कहाँ गायब थी तुम? 11 बजे क्लास, 11:30 बजे ज्वाइन करती। चलो अभी अभी बताते हैं, इसमें आगे बढ़ जाएगा। अगर अब एक एग्जांपल और मैं लेता हूँ कि जैसे ए बी सी डी चार शहर है, ठीक है, ए टू बी जाने के 3 रास्ते हैं, बी टू सी जाने के 2 रास्ते हैं और सी टू डी जाने के 4 रास्ते हैं। अब अगर तुमसे कोई पूछे कि ए टू डी जाने के कितने रास्ते हैं तो क्या बताओगे? हाउ मेनी वेज आर देयर टू रीच ए टू डी? बोलो कितने होंगे? सर 10 सर ए टू बी 3 है क्या? हाँ ए टू बी दिख नहीं रहा तुम लोगों को स्क्रीन से, हटेगी नहीं? 24 है सर। हाँ 12 कौन बोला? देखो यहाँ पे ये आपका ए टू सी जाने के टोटल नंबर ऑफ रास्ते जो हो जाएंगे, अगर जैसे इसका हमने नाम रखा था 1 2 3 ए बी, इसका हमने नाम रख दिया कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी, तो आपको ये पता है कि ए टू सी जाने के टोटल नंबर ऑफ वेज जो है वो 6 है। तो इस ऑल 6 से जैसे 1A, अगर आप यहाँ का 1 लिए और यहाँ का A लिए, 1B 2A 2B 3A 3B कोई भी 6 में से कोई भी लेते हो तो फिर आपके पास 4 अलग अलग ऑप्शन है टू रीच डी। तो जैसे 6 के साथ ऑल 6 हैज 4 डिफरेंट वेज टू रीच डी, तो ये कितना हो जाएगा? 24। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है? अब तुम लोगों को समझ में आ रहा है ना सबको? सर कैसे, मुझे समझ नहीं आ रहा। या अगर तुम A to B जा रहे हो तो 1 2 3 रास्ते हैं, बोलो हाँ बोलो हाँ। यस सर। फिर अब मान लो A लिया तुमने, एक लिया रास्ता, एक लिया A to B जाने के लिए, ए और बी तो पहुंचने के लिए, मतलब सॉरी बी से सी पहुंचने के लिए दोनों में से कोई भी ले सकते हो। हाँ। तो 1A 1B ये 2 रास्ते हो गए। यस सर। समझ में आया? फिर अगर मान लो कि ए टू बी जाने के लिए अगर तुम 2 लेते हो तो 2A 2B हो सकता है। यस सर। फिर अगर तुम 3 लेते हो तो 3A 3B हो सकता है। यस सर। तो 6 रास्ते हो गए ना। हाँ सर यहाँ तक तो समझ में आ गया। हाँ, अब तो मान लो कि कोई भी 6 में से कोई भी ले लिया, तुमने 1A ले लिया, ठीक है? Yes, तो 1A के साथ A B C D इस चारों में से कोई भी रास्ता ले सकते हैं ना। Yes sir। तो all 6 will have 4 different connections ना। Yes sir। तो 6 के 6 चार चार अलग अलग देंगे तो टोटल 24 रास्ते हो जाएंगे ना। Yes sir, yes sir। तो ये ऐसे बनेगा, जैसे मान लो कि 1A है तो 1A के साथ A, 1A के साथ B, 1A के साथ C, 1A के साथ D, फिर 1B है तो 1B के साथ A, 1B के साथ B, 1B के साथ C, 1B के साथ D, ऐसे करके इधर के जो भी 6 हमारे रास्ते थे सबके साथ चार चार और मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना? Yes, तो ये ऐसे करके हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ठीक है? अभी हम बात करेंगे आपको नंबर ऑफ वेज, इन हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज यू कैन डू अ सर्टेन थिंग्स, ठीक है? तो जैसे सिचुएशन एक देता हूं मैं तुम्हें और तुमको ये आइडेंटिफाई करना है कि सिचुएशन में क्या होगा। जैसे मान लो कि मैंने बोला कि मेरे पास 3 किताबें हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, है ना? मैंने 3 किताबों का नाम इसलिए अलग अलग दिया बिकॉज आई वॉन्ट टू से दैट दीज 3 बुक्स आर डिफरेंट, है ना? डिफरेंट बुक्स, क्योंकि सेम बुक होगा तो उसकी बात अलग हो जाएगी, वो हम नहीं पढ़ते हैं अभी यहाँ पे, ठीक है? 3 डिफरेंट बुक है और 5 स्टूडेंट को देना है, एंड देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, मतलब एनी स्टूडेंट कैन हैव एनी नंबर ऑफ बुक्स, ठीक है? यहाँ पे अगर ऐसे लिख देते हैं, एनी स्टूडेंट कैन हैव एनी नंबर ऑफ बुक्स। अब तुम्हें ये बताना है कि कितने तरीके से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं,
in how many ways we can distribute कोई बताओ सर 2 मिनट और कैसे सोच रहे हो ये भी बताओ जस्ट 6 to the power 5 डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई करके ऐसे कहीं ना कहीं एरर आ जाएगा समझे इससे अच्छा तरीका है कि हम ऐसे नहीं सोचे क्या कि एक बात बताओ जैसे कौन सा एग्जॉस्ट होगा एग्जॉस्ट आइडेंटिफाई करना पहले सीखो कि जैसे मान लो कि अगर आप एक बुक किसी एक स्टूडेंट को दे देते हो तो आपका बुक एग्जॉस्ट होता है कि स्टूडेंट एग्जॉस्ट होगा एग्जॉस्ट कहने का मतलब कि जैसे स्टूडेंट को हम दोबारा बुक दे सकते हैं मतलब दूसरी वाली बुक जो है हम उसी स्टूडेंट को दे सकते हैं लेकिन एक बुक जो है आप 2 स्टूडेंट को नहीं दे सकते तो इस केस में जो एग्जॉस्ट हो रहा है क्योंकि एग्जॉस्ट वर्ड का मीनिंग तुम डायरेक्ट यहाँ पे यूज नहीं कर पाओगे इसलिए मैं एक्सप्लेन कर दिया कि जो एग्जॉस्ट हो रहा है दैट मीन्स उसको आप रीयूज नहीं कर सकते तो यहाँ पे एग्जॉस्ट कौन हो रहा है बुक हो रहा है ना yes, sir. तो जो एग्जॉस्ट हो रहा है उसको लेकर हम काउंटिंग करेंगे तो जैसे मान लो कि अगर हम पहला बुक उठाए फिजिक्स का उसको कितने तरीके से हम दे सकते हैं 5 तरीके से दे सकते हैं समझ में आ रही है बात yes, sir. मतलब फिजिक्स वाले बुक को हम 5 तरीके से दे सकते हैं अगर हम इसको ड्रॉ करना चाहें तो हम ऐसे कर सकते हैं कि फिजिक्स वाले बुक को ये अगर फिजिक्स है तो हम इसको ए बी सी डी ई इसमें से कहीं भी दे सकते हैं अब अगर केमिस्ट्री की बुक आई तो अब उसको फिर से हम 5ों में से कहीं भी दे सकते हैं मतलब क्योंकि केमिस्ट्री की बुक ना ऐसा तो रिस्ट्रिक्शन है नहीं कि एक एक बच्चे को जिसको फिजिक्स मिल गया उसको केमिस्ट्री नहीं मिलेगा तो केमिस्ट्री की बुक भी आप 5ों में से कहीं भी दे सकते हो समझ में आ रही है मेरी बात यस सर इसी तरह से जो मैथ्स की बुक है उसको भी आप 5ों में से कहीं पे भी दे सकते हो ना तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो यहाँ पे हुए वो 5 × 5 × 5 ये आपका 5 to the power 3 ये होगा ये समझ में आ रहा है अगर आप इसको ड्रॉ करते जैसे ये वाला जो अगर हम ड्रॉ करें तो जैसे मान लो कि पहला वाला आया ऐसे ए ए ए ऊपर वाला जैसे ये उठाया मैंने तो इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों किताब ए को मिल गई इसके बाद वाला उठाया मैंने जैसे ए ए बी इसका मतलब ये हुआ कि फिजिक्स वाला भी ए को मिला केमिस्ट्री वाला भी ए को मिला मैथ वाला बी को मिल गया फिर हमने उठाया ए ए सी तो ऐसे करके अगर आप ये सारे जो ड्रॉ है जैसे ये सारे अगर आप इसको अगर लाइन से सीक्वेंस में लिखोगे तो टोटल 125 होगा और इट विल कवर ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन और नॉट कॉम्बिनेशन ऑल द पॉसिबल वे टू डिस्ट्रीब्यूट द 3 बुक्स टू 5 स्टूडेंट्स ये बात समझ में आ गई तुम लोगों यस सर तो इसमें क्या हो रहा है कि एक कोई चीज एग्जॉस्ट हो रही है जब नंबर ऑफ वेज इन डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम कर रहे हैं तो एक कोई एक चीज जो है वो एग्जॉस्ट हो रही है तो ऐसे कई सारे सिमिलर एग्जाम्पल्स होंगे जिसमें आपके अरेंजमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन पूछेगा एंड देयर विल बी वन थिंग विच विल गेटिंग एग्जॉस्ट मैं आपको ऐसे 2-4 एग्जाम्पल बताता हूँ है ना
पहले तो आप ऐसे ही समझो कि तीन प्राइज है ना, जैसे मतलब तीन कंपटीशन है, रनिंग का, जंप का, हाई जंप का। आ जाओ एक मिनट जरा साउंड करो। हेलो। हाँ, तो हमने तीन कंपटीशन रखा, रनिंग का, जंप का और एनी एनीथिंग, मतलब कोई एथलेटिक का और कोई कंपटीशन बताओ, जेवलिन थ्रो का। और 10 स्टूडेंट्स हैं, या चलो 10 नहीं, इसमें 7 कर लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी। तो इन हाउ मेनी वेज दीज मतलब these prizes can be given to 7 students, तो कितने तरीके से दिए जा सके? इसमें बताओ exhaust क्या हो रहा है, या exhaust हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जेवलिन नहीं, जेवलिन मतलब इधर के competition, जेवलिन बोलने की बजाय competition बोलो, क्योंकि running की prize किसी को दे दिए तो अब दोबारा आप नहीं दे सकते, बट बच्चों में आप एक ही बच्चे को तीनों प्राइज दे सकते हो। तो जब भी एग्जॉस्ट होता है हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि एग्जॉस्ट कौन सा हो रहा है, तो यहाँ एग्जॉस्ट हो रहा है कंपटीशन, तो हम कंपटीशन के पर्सपेक्टिव से कैलकुलेट करेंगे। तो रनिंग को हम कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, रनिंग की प्राइज कितने तरीके से दे सकते हैं, 7 तरीके से। फिर हम जंप को कितने तरीके से दे सकते हैं, 7। और फिर जेवलिन को हम कितने तरीके से दे सकते हैं, 7। तो ये 7 × 7 × 7 इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, कभी जरूरत पड़ भी सकती है, बट इन जनरल जो आंसर्स होंगे वो ऐसे भी रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। ठीक है, ये 72 नहीं होगा ना, 7 × 7 × 7 कितना होता है, 7³। हाँ अच्छा, 7³ बोल रहे थे तब, ठीक। हाँ, हाँ। मुझे लगा तुम कैलकुलेट करके बता रहे हो कितना है। नहीं नहीं सर, है ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब फटाफट हम कुछ और भी एग्जांपल लेते हैं और थोड़ा सा ट्विस्ट भी बताते हैं कि कभी कभी क्या ट्विस्ट कर देता है। तो जैसे मान लो एक लिफ्ट है, लिफ्ट के ग्राउंड फ्लोर पे 7 लोग खड़े हैं, या चलो 10 लोग खड़े हैं, ऐसे करके ABCD करके 10 लोग खड़े हैं, एंड देयर आर 12 फ्लोर्स अहेड। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इन हाउ मेनी वेज all these people will can leave the lift, how many ways people can leave yeah drop from leave the lift, तो इसमें बताओ कौन एग्जॉस्ट होगा? जैसे एक कोई बंदा किसी एक फ्लोर पे उतरेगा तो बंदा एग्जॉस्ट होगा कि फ्लोर एग्जॉस्ट होगा, जल्दी बताओ। फ्लोर कौन बोला, नाम बताओ अपना। फ्लोर कैसे एग्जॉस्ट होगा, मतलब मैन एग्जॉस्ट होगा, मैन ऑफ कोर्स मैन एग्जॉस्ट होगा, क्योंकि एक फ्लोर पे दो लोग उतर सकते हैं, बट एक आदमी दो फ्लोर पे नहीं उतर सकता। यस सर, एक ही साथ।
तो जैसे मान लो कि पर्सन ए अगर थर्ड फ्लोर पे उतर गया, तो अब उस अरेंजमेंट में वो थर्ड फ्लोर पे रहेगा, वो थर्ड और फोर्थ दोनों पे नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि विच वन इज बीइंग एग्जॉस्टेड, कौन सा आपका खत्म हो रहा है फॉर दैट पर्टिकुलर, मतलब एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में, जैसे जितने भी नंबर ऑफ वेज आएंगे उसमें एक वे में अगर ए जो है वो किसी एक फ्लोर पे ही उतरेगा, दो फ्लोर पे नहीं उतर सकता। तो अब हम मैन को लेके काउंट करेंगे, तो एक मैन कितने फ्लोर पे उतर सकता है, पर्सन ए कितने तरीके से उतर सकता है, 12 तरीके से, ऐसे पर्सन बी भी 12 तरीके से, ऐसे कर करके 10th person भी 12 तरीके से उतर सकता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 12 to the power 10। आगे बात समझ में? Yes, sir. एक और फेमस सा क्वेश्चन है जो जनरली उसी फॉर्मेट में पूछता है अक्सर। एक आदमी को चार लेटर पोस्ट करने हैं विथ डिफरेंट एड्रेस, मतलब चार डिफरेंट एड्रेस बोल देने का मतलब सिर्फ ये होता है कि चार डिफरेंट लेटर है। इस पूरे जो काउंटिंग में हम यही कंसिडर कर रहे हैं कि जो जो मतलब दोनों काउंट करना है वो दोनों चीजें डिफरेंट है, जैसे फ्लोर भी डिफरेंट था, मैन भी डिफरेंट थे। तो इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और है कि एक आदमी को चार लेटर पोस्ट करने हैं, डिफरेंट लेटर्स, और पांच लेटर बॉक्स है। इन हाउ मेनी वेज यू कैन पोस्ट दीज लेटर्स? अब मुझे बताओ कि इसमें एग्जॉस्ट कौन सा हो रहा है? लेटर। बिल्कुल सही। तो पहले लेटर के लिए कितने तरीके हो जाएंगे? पांच। दूसरे के लिए भी पांच। तीसरे के लिए पांच, चौथे के लिए भी पांच। तो ये हो गया 5 to the power 4। ठीक है, ऐसा। अब एक और एग्जांपल एंड स्मॉल ट्विस्ट। जैसे आप एक पेपर देने गए, ठीक है, पेपर में 10 question है विथ 4 options, 10 के 10 MCQs वाला एग्जाम है, ठीक है। अब आपसे मैं पूछूं कि इन हाउ मेनी वेज यू कैन अटेम्प्ट द पेपर, अब किसी से मैंने पूछा ये तो बोला कि सर एक ही तरीका होगा ना, जो जो दसों के दसों जो सही वाले ऑप्शंस होंगे वही डालूंगा मैं। तो मैंने बोला कि नहीं, तुम्हारे ऐसे इंटेलिजेंट लोगों की बात नहीं हो रही, ये एक रैंडम पर्सन की बात हो रही है जो गेस करेगा। तो इन हाउ मेनी वे ही कैन एक्चुअली अटेम्प्ट द पेपर, क्योंकि जिसको आता है वो तो वही क्वेश्चन करेगा ना, जो मतलब वही ऑप्शन डालेगा जो सही है। तो हम वैसे कंडीशंस की बात कर रहे हैं कि जब आप गेस कर रहे हो, यू कैन मार्क एनी ऑप्शन फॉर रेशियो द पावर 10, है ना। तो लेकिन जल्दी आ गए और गलत है इस तरह से, तुम बोलो ये गलत कैसे है, बट बताता हूं मैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ऑफ कोर्स यहाँ पे जो एग्जॉस्ट हो रहा है वो क्वेश्चन एग्जॉस्ट हो रहा है, ठीक, सॉरी, हाँ, क्वेश्चन एग्जॉस्ट हो रहा है कि एक क्वेश्चन को कर देने के बाद आप उसी क्वेश्चन को दोबारा नहीं करोगे। तो पहले क्वेश्चन को करने के कितने तरीके हैं? चार। नहीं, पांच। पांच। आप या तो ऑप्शन में टिक करो या उसको छोड़ दो। इसी तरह से दूसरे के भी कितने तरीके हैं? पांच। तीसरे के भी कितने तरीके हैं? पांच। ऐसे करके दसों क्वेश्चन के कितने तरीके हैं? पांच पांच। तो 5 to the power 10। ये बात समझ में आई अंशुला? If I'm not saying anything else, तब आपको ये करना है, ठीक है। अब अगर इसमें मैं कंडीशन डाल दूं, यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल, तब क्या करोगे? तब चार है। four to the power 10।
हाँ मैंने म्यूट कर रखा था, कोई बात नहीं है। अगर तुमने ये सब सही बताया कि अगर अगर सबको अटेम्प्ट करना है तो ऑफकोर्स नॉन अटेम्प्ट का ऑप्शन खत्म हो जाएगा, तो ईच क्वेश्चन कैन बी अटेम्प्टेड इन फोर वेज, तो ऐसे 4 to the power 1। और अगर आपसे बोला जाए कि ऐसा जरूरी नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि अटेम्प्ट ऑल, अटेम्प्ट एटलीस्ट एक तो आपने किया, करना ही करना है, तब क्या करोगे? और इसको दूसरा लाइन में ऐसे बोला जा सकता है कि यू कैन नॉट लीव ऑल द क्वेश्चन अनमार्क्ड, तब कितने तरीके होंगे? बोलो। हेलो आ रही है ना आवाज मेरी? यस सर। हाँ यू कैन नॉट लीव जल्दी बताओ हर्षा तुम बताओ सर 4 to the power 10 नहीं 4 to the power 10 में तो ये था ना कि ऑल अटेम्प्ट वाला सर। हाँ इज इट 4 to the power 9 plus 5? नहीं ये कहाँ से लेके आया, कैसे सोचा तुमने? अरे हम इसमें सिर्फ ये देख लो कि ये जो वाला है 5 to the power 10 है, इसमें तो ऑल पॉसिबल ऑप्शंस है ना। पावर टू द 2? नहीं 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 5 to the power 10 में से सिर्फ एक कम कर देंगे तो हमें नहीं मिल जाएगा सारा। इस वाले जो क्वेश्चन में हमने ऑल नॉन अटेम्प्टेड वाला तो एक ही बार काउंट हुआ होगा ना, जिसमें सबको मैंने नहीं अटेम्प्ट किया है, तो वो वाला अगर केवल हटा दे तो हमारा ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी नहीं? बताओ। So, I did not understand. मैं ये कह रहा था कि जो हमने वो क्वेश्चन किया था जिसमें आप अलाउड थे कि आप क्वेश्चन छोड़ भी सकते हैं, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ वेज जो आया था वो 5 to the power 10 आया था, ये ध्यान में है तुम्हें? यस सर। इसमें ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट होगी कि आप ऑप्शन, मतलब एक उसमें एक अरेंजमेंट ये भी होगा, एक वे ये भी होगा जिसमें आपने दसों में नॉन अटेम्प्ट किया होगा। इस जितनी भी काउंटिंग है 5 to the power 10 है, उसमें एक ऐसा होगा ना जिसमें कि कोई नहीं अटेम्प्ट किया आपने, और ये एक ही बार होगा ना, ये बताओ। यस सर। इसमें तो सारे काउंट हो रहे हैं, तो ये भी काउंट हुआ है, तो केवल अगर हम इसको हटा दें इसमें से, तो मुझे बाकी सारे जो भी आएंगे, मतलब इसको वन माइनस करने के बाद जो भी बच गया, उन सब में एटलीस्ट वन अटेम्प्ट तो आपने किया ही होगा। हाँ सर। तो इसलिए हमने सिर्फ इसमें से वन कम कर दिया। ये बहुत ट्विस्ट वाला है, ये अक्सर आता है कि अटेम्प्ट एटलीस्ट। इसमें क्वेश्चन क्या होगा, मतलब ये थर्ड वाला? इसमें ऐसे पूछेगा कि इन हाउ मेनी वे यू कैन अटेम्प्ट द पेपर, है ना, गिवन दैट यू हैव टू अटेम्प्ट एटलीस्ट वन क्वेश्चन, ऐसा। या तो ये बोलेगा, और या तो ये बोलेगा कि यू कैन नॉट लीव योर पेपर ब्लैंक, ठीक है। इन दोनों कंडीशन में ये आ गया ना कि आपको एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो करना ही करना है। यू कैन नॉट लीव ऑल द 10 क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड। समझ में आ गई बात? सर पर एक चीज समझ नहीं आई, जैसे हम 5 to the power 10 तभी करते हैं क्योंकि फिफ्थ ऑप्शन ये है कि वो टेम ना करे। हाँ। तो जब हम इसे माइनस वन कर देते हैं तो उसमें हम फिर एक पॉसिबिलिटी तो रूल आउट कर रहे हैं ना कि वो नहीं करेगा। हाँ, तो यही पॉसिबिलिटी तो रूल आउट कर रहे हैं ना, जिसमें ऑल 10 आपने छोड़ दिया है। ऑल 10 है, पर जैसे अगर उसने एक क्वेश्चन नहीं करा। हाँ, क्या कह रहे थे अंशुला, एक बार बताना फिर से।
कि सर ये 5 raised to the power 10 तो यही है कि उसने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं और उसके पास एक ऑप्शन था कि उसने एक क्वेश्चन में शायद ना कराओ. नहीं, ये 5 to the power 10 में वो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं जिसमें आपने सब में छोड़ा भी होगा. जैसे इसमें वो वाला भी काउंट हुआ होगा जिसमें 9 छोड़ के 1 में आपने अटेम्प्ट किया है, वैसे वाले भी काउंट हो रहे हैं. इसमें एक बार सिर्फ वो भी काउंट हुआ है जिसमें 10 के 10 आपने छोड़े. चलो मैं एक ना दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ छोटा, इससे तुमको समझ में आ जाएगा. ठीक है, लेट्स सब्स्ट्रैक्ट इट इन अ वे कि जैसे मान लो कि आपके पास 3 questions हैं. ठीक है, वाई आई एम राइटिंग मतलब छोटा कर दे रहे हैं क्योंकि वो वाला क्वेश्चन आपको फिर समझ में आ जाएगा. आपके पास 3 questions हैं ट्रू एंड फॉल्स वाला. ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स वाला, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ट्रू फॉल्स. फिर से अगर मैं तुमसे पूछूं कि इन हाउ मेनी वे यू कैन अटेम्प्ट द पेपर, तो कितना बताओगे? 3 to the power 4 3 to the power 3 ना, 3 to the power 3. हाँ, क्योंकि एक आपका नॉन अटेम्प्टेड भी हो जाएगा. हाँ, ना, और चलो मतलब हम 3 का वो 3 to the power 3 का वो हटाने के लिए हम 4 questions ले ले रहे हैं. ठीक है, तो अब आपका 3 to the power 4 हो जाएगा. ठीक है, तो आपका पहला तो आ गया 3 to the power 4. अगर मैं इसमें बोलता है कि नहीं चारों अटेम्प्ट करना ही करना है, तब क्या आंसर होता? टू टू द पावर फोर ना. हाँ सर, क्योंकि चारों अटेम्प्ट करना है तो पहले वाले के लिए 2 options, दूसरे वाले के लिए 2, तीसरे वाले के लिए 2, चौथे वाले के लिए 2. ठीक है, अब मैं कहता हूं तीसरा जो क्वेश्चन था मेरा, ये इसमें था नो रिस्ट्रिक्शन, इसमें था अटेम्प्ट ऑल, इसमें था अटेम्प्ट एनी, लास्ट वाले में था कि एटलीस्ट 1 attempt तो करना ही है. तो पहले वाला 3 to the power 4 कैसे हुआ? क्योंकि सारे क्वेश्चन में आप नॉन अटेम्प्टेड भी तो रख सकते हो ना. नहीं सर, पावर 4 समझ में आया, बट नीचे 3 कैसे? पहला ऑप्शन ट्रू आपने क्लिक किया. हाँ, या फॉल्स क्लिक करोगे. अच्छा ठीक है सर, और एक नॉन. हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने के 3 तरीके हैं. हाँ सर, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर. हाँ, तो ऐसे. हाँ, तो मेरा पॉइंट है कि दूसरा वाला है कि आपको अटेम्प्ट करना ही करना है, तब 2 to the power 4 हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि पहले वाले का ये सब नॉन अटेम्प्ट का खत्म हो जाता. ठीक है, तो 2 to the power. अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एटलीस्ट 1 attempt करना है, तो इसमें क्या हो जाता है कि तुम ये वाले को अगर अरेंज करो, जैसे मतलब 3 to the power 4 वाले को अरेंज करो, तो इसमें ऐसा अरेंजमेंट हो सकता है कि टी 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 भी सब में हो, ऐसा भी हो सकता है कि 3 में T और 1 में false हो. ऐसे करते करते एक ही ऐसा कॉम्बिनेशन आएगा, ये जो 3 to the power 4 है, which is 81. इस 81 में एक ऐसा होगा जिसमें आपने चारों ही नॉन अटेम्प्टेड छोड़ दिया है कि नहीं? 81 में एक ये भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन होगा कि आपने इसका भी नॉन अटेम्प्टेड, इसका भी नॉन अटेम्प्टेड, इसका भी नॉन अटेम्प्टेड, इसका भी नॉन अटेम्प्टेड. तो अगर हम 81 में से वही वाला एक हटा दे तो मेरा आंसर आ जाएगा ना. समझ पा रहे हो तुम लोग? बोलो. जल्दी बताओ, सबको पता चल रहा है क्या हुआ? नहीं सर. नहीं सर, नहीं पता चल रहा. अच्छा, इसको मैं बहुत छोटा कर देता हूँ. ठीक है, तो मैं उसको ड्रॉ करके ही बता दूंगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा. हम 2 ही क्वेश्चन लेते हैं. ठीक है, नो रिस्ट्रिक्शन पे टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे बताओ जल्दी. 3 raised to power 2. और उसको मैं ना ड्रॉ कर दे रहा हूं यहाँ पे. आप पहले वाले में ट्रू कर रहे हैं तो दूसरे वाले में, ये पहला क्वेश्चन है, दूसरे वाले में ट्रू भी कर सकते हो, दूसरे वाले में फॉल्स भी कर सकते हो, दूसरे वाले में नॉन अटेम्प्ट कर सकते हो.
पहले वाले में अगर आपने फॉल्स किया तो दूसरे वाले में ट्रू, दूसरे वाले में फॉल्स, दूसरे वाले में नॉन अटेम्प्टेड। पहले वाले में अगर नॉन अटेम्प्टेड कर रहे हो तो दूसरे वाले में ट्रू फॉल्स, ठीक है। ये जो नाइन आपका आ रहा है वो यही है, इसी को तो काउंट कर रहे हैं ना हम। यस सर। इसमें से कौन से वाले ऑप्शन में आप दोनों ही नहीं अटेम्प्ट किए, कितने हैं ऐसे? एक ही है। यस। तो अगर हम ये एक हटा दे तो बाकी बचा हुआ जो है वो होगा ना कि एटलीस्ट वन तो अटेम्प्ट किया ही है। यस सर। तो इसी तरह से 3 to the power 4 वाले में भी एक ही होता ना, ये जो नॉन अटेम्प्टेड वाला होता चारों में। यस सर। तो इसीलिए एक ही हटाते हैं। इसीलिए जो हमने नीचे भी किया था कि आपका जो नीचे वाला क्वेश्चन था कि आपका 5 to the power 4 था, लाइक 10 क्वेश्चंस थे और चार ऑप्शंस था, तो 5 5 5 ऐसे इस 5 to the power 10 में वो सारी पॉसिबिलिटीज है इंक्लूडिंग नॉन अटेम्प्ट वाली, और उसमें एक ऐसा था जिसमें आपने 10 के 10 में नॉन अटेम्प्ट किया, तो वो अगर हम हटा दें तो एटलीस्ट वन अटेम्प्ट वाला ये आंसर आ जाएगा, ठीक है? समझ में आ गया आप लोगों? यस सर। ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब अगर अभी नहीं भी समझ में आया तो दोबारा वीडियो देखोगे समझ में आ जाएगा, है ना? तो अब इससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा, अब फिर से थोड़ा बेसिक्स पे चलते हैं और फिर हम एक दूसरा सिचुएशन क्रिएट करेंगे। अभी जो भी हम कर रहे हैं ना, हम काउंटिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है? अपने आप ही ये कन्वर्ट हो जाएगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, आप उसकी चिंता ना करो, ठीक है? तुम्हें पता ही हम लोग के पढ़ाने का तरीका है ना, समझ पे ज्यादा ध्यान देते हैं हम, है कि नहीं? तो अगर आपसे मैं बोलूं एक डाइस अगर थ्रो करते हैं, डाइस पता है ना क्या होता है, लूडो खेलते हो ना तो उसमें क्या बोलते हैं उसको, हाँ, तो एक डाइस थ्रो करते हो तो एक थ्रो के कितने पॉसिबल रिजल्ट्स हैं, बोलो? 6। वेरी गुड। अगर हम दो ड्राइव थ्रो करेंगे एक साथ तो कितने पॉसिबल रिजल्ट्स आएंगे? 12 36। क्योंकि पहले डाइस पे 1 2 3 4 5 6 इनमें से कोई भी आएगा, तो ऐसा हो सकता है ना कि पहले पे 1 आया, दूसरे पे 1, दूसरे पे 2, दूसरे पे 3, दूसरे पे 4, दूसरे पे 5, तीसरे पे 6। तो पहले के 1 के साथ दूसरे का 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकता है। हाँ सर। तो टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट्स कितना आएगा? 6 into 6 36। ऑल 6 विल हैव 6 डिफरेंट रिजल्ट एसोसिएटेड विद इट। इसी तरह से अगर हम 3 डाइस थ्रो करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट्स कितने पॉसिबल होंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रिजल्ट्स? 3 क्यूब 6 टू द पावर 3 6 क्यूब। हाँ ठीक है। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं तुमसे पूछूं एक कॉइन टॉस किया जाएगा कितने रिजल्ट पॉसिबल है? दो कॉइन टॉस किया जाएगा तो कितने रिजल्ट पॉसिबल है? 2 into 2। यस, 2 into 2, क्योंकि पहले वाले का हेड, दूसरे वाले का हेड और टेल दोनों आ सकता है, दूसरे वाले का हेड, दूसरे वाले का हेड एंड टेल दोनों आ सकता है। 3 कॉइन होगा तो 2 to the power 3। वेरी गुड। ठीक है, एक एक तुम लोग पता नहीं तुम लोग कैसे मैथ्स वैथ्स पढ़ते हो बचपन में, एक क्वेश्चन था वो भी बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड होता है, जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं जैसे मैं आपसे पूछूं कि एक सेट है उसमें 4 एलिमेंट है,
ए बी सी डी। अच्छा ये मतलब सेट वाले भी क्वेश्चंस में आ सकता है, बट ये मेनली है यही काउंटिंग का क्वेश्चन। तो हाउ मेनी सबसेट्स आर पॉसिबल? इसका क्या आंसर होगा? सबसेट क्या होता है बताओ? हाँ, टू टू द पावर फोर ऑफ कोर्स। सबसेट क्या होता है कि इनमें से कोई भी एलिमेंट अगर उस सेट में हो, कोई भी कॉम्बिनेशन में इसी में से, तो सबसेट कहलाता है। और एक आपका होता है नल सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, वो भी इसका सबसेट कहलाएगा। तो हमने ना सारे सेट्स को ऐसे एज्यूम कर लिया कि उसके चार ही है, उसमें या तो ए होगा या तो नहीं होगा, बी होगा या तो नहीं होगा, सी होगा या तो नहीं होगा, डी होगा या तो नहीं होगा। तो यस और नो, यस और नो, यस और नो, यस और नो। तो किसी भी सबसेट में ए के होने की चांस है या नहीं है, दो तरीके हैं। बी के होने के मतलब है या नहीं है, दो और। तो इस तरह से टोटल 16 सेट्स सबसेट्स बन जाएंगे। ठीक है, तो ये काउंटिंग का यूज हम कई जगह पे करते हैं, सिमिलर काउंटिंग का। अब हम आते हैं, जैसे एग्जॉस्ट होने वाली बात हमने अभी तक की है, अब हम बात करेंगे जब दोनों ही एग्जॉस्ट हो रहा होगा। जैसे कि एग्जाम्पल मैं तुम्हें बताता हूं, व्हेन बोथ ऑफ द क्वांटिटीज बीइंग एग्जॉस्टेड। जैसे मैंने बोला ए बी सी डी, ये चार लेटर है और चार लेटर से चार लेटर का वर्ड बनाना है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। याद रहे यहां पे लिखा रहता है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो अगर आप इसमें कौन सा बोलो एग्जॉस्ट होगा कि दोनों एग्जॉस्ट होगा? ऑफ कोर्स हम अभी शुरुआत से ही भूमिका बांध के चल रहे हैं कि इसमें दोनों ही एग्जॉस्ट होगा। आप उसको बताओ कैसे दोनों एग्जॉस्ट होगा, एनी वन ऑफ यू, है ना? आई विल से नंदिता तुम बताओ दोनों कैसे एग्जॉस्ट होगा। और डू यू थिंक वी कैन जस्ट गेट इट? नॉट श्योर सर। ए बी एग्जॉस्ट शुड बी ए बी सी डी। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि दोनों कैसे एग्जॉस्ट होगा, कि अगर ए जो है आप इसमें से किसी में भी रख सकते थे। Yeah. तो जैसे ही मान लो ए आपने पहले वाले बॉक्स में रख दिया, तो ये बॉक्स भी तो खत्म हो गया ना। आप इसी बॉक्स में बी नहीं ला के रख सकते। yeah. और ए को भी रिपीट नहीं यूज कर सकते। yeah. तो इसलिए दोनों ही एग्जॉस्ट हो रहा है, द लेटर ए एंड द प्लेस वन, बोथ आर बीइंग एग्जॉस्टेड। अब समझ में आया? यस सर। तो कैसा कंडीशन ये है कि एग्जॉस्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि ए को अगर आप किसी भी बॉक्स में आप रख दे रहे हो तो ए तो एग्जॉस्ट हो ही जा रहा है, क्योंकि आप लेटर रिपीट नहीं कर सकते, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है। और जिस भी बॉक्स में आपने ए को रख दिया, वो बॉक्स भी आप दोबारा यूज नहीं कर सकते, बी को आप दोबारा यहाँ लाके नहीं रख सकते। तो ये बॉक्स भी खत्म हो गया और ये लेटर ए भी खत्म हो गया। दैट्स वाई बोथ आर बीइंग एग्जॉस्टेड। समझ में आया तुम लोगों सबको? यस सर। बहुत सिंपल सी बात है, आप अरेंजमेंट का सिचुएशन समझोगे, आपको खुद दिखेगा कि अगर हम उसको वहां रख दें तो जगह भी खत्म हो जा रही है और वो ऑब्जेक्ट भी आपका यूज नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें हम किसी को भी लेकर काउंटिंग कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे स्पेस को लेकर करें तो बेटर है, आपको आगे समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो पहले प्लेस पे हम कितने लेटर को रख सकते हैं? एक, चार, मतलब किसी एक को रख सकते हैं ना। हाँ, हाँ, हाँ। तो पहले प्लेस के लिए कितने ऑप्शंस हैं? चलो ऑप्शन बोलेंगे ना, ज्यादा सही रहेगा। पहले प्लेस के लिए कितने ऑप्शंस हैं आपके पास? चार, है ना? हाँ। चार में से आप कोई भी एक रख सकते हो, तो ये हो गया हमारा फोर। दूसरे प्लेस के लिए फिर कितने ऑप्शंस बच जाएंगे? थ्री। यस, क्योंकि ए रख देते हो तो आपके पास बी सी डी बच जाता है, बी रख देते हो तो ए सी डी बच जाता है, सी रख देते हो तो ए बी डी बच जाता है। तो ऐसे करके ये हो गया थ्री। टोटल 12 तरीके से आप पहला और दूसरा भर सकते हो। फिर तीसरे स्पेस के लिए क्या बच जाएगा?
दो तरीके, दो ऑप्शन बच जाएंगे, जैसे ए और बी रख दिया तो सी और डी बचेगा, ए और सी रख दिया तो बी और डी बचेगा, ए और डी रख दिया तो आपका बी और सी बचेगा। तो ऐसे करके दो बच जाएंगे ऑप्शन, और फिर लास्ट के लिए एक, एक। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जो बन रहे हैं यहाँ पे, या टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो हो रहा है, वो हो रहा है 4 × 3 × 2 × 1। ये आपका आंसर होगा। इसको आप 4 factorial भी बोल सकते हो। ठीक है, आ जाओ अंदर आ जाओ। इसको आप 4 factorial भी बोल सकते हो। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि जब दोनों एग्जॉस्ट हो रहे हैं तो देखो एक एक करके रिड्यूस होता जा रहा है ना, तो ये 4 factorial हम इसको ऐसे बोल सकते हैं। बट एनीवे, अगर 4 factorial नहीं भी बोलो तो हमारा पर्पस यहाँ काउंटिंग का है, फैक्टोरियल तो हम बाद में भी तुम्हें एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो जब दोनों एग्जॉस्ट हो रहा है तो ऐसे चलता है। ऐसे सिचुएशंस कैसे क्रिएट होते हैं तो मैं तुम्हें बताता हूँ, और तरीका मतलब सिचुएशंस क्रिएट करना बताता हूँ, एंड देन यू विल आइडेंटिफाई फ्रॉम द क्वेश्चंस कि यहाँ पे दोनों क्वांटिटी एग्जॉस्ट हो रही है। जैसे मैंने बोला कि आई हैव 5 chairs है ना, एट डिफरेंट पोजीशंस, ठीक है, एंड मेरे पास 5 बच्चे हैं, 5 students, इन हाउ मेनी वे आई कैन मेक देम सेट ऑन दीज 5 chairs। तो इसमें क्या हो रहा है, दोनों एग्जॉस्ट हो रहा है कि नहीं? यस सर। क्यों बताओ सर? क्योंकि अगर सीट्स भी लिमिटेड है और बच्चे, एक बच्चा बैठ गया तो दूसरा बच्चा सीट पे नहीं बैठ पाएगा, और है ना, और एक लाइन तुमने छोड़ दिया, बोलो बोलो। आई एम थिंकिंग 2 मिनट। और वो बच्चा वापस किसी और सीट पे नहीं बैठ पाएगा। एग्जैक्टली, है ना, हमें दोनों के रिस्पेक्ट में बात करना पड़ेगा कि अगर एक बच्चा, पर्सन ए, अगर एक सीट पे बैठ गया तो सीट भी फिल हो गई, दैट्स इट, कैन नॉट बी गिवन टू अदर पर्सन, और वो बच्चा भी वहीं बैठा रह जाएगा, वो दूसरी जगह पे एक ही अरेंजमेंट में दूसरी जगह नहीं बैठेगा। तो इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, पहले सीट के लिए कितने बच्चे हैं आपके पास? कितने ऑप्शन है? 5। फिर दूसरे के लिए 4 बच जाएगा, फिर तीसरे के लिए 3 बच जाएगा, फिर 2 और फिर 1। और चूंकि वो इंटरचेंजेबल है, ऐसा है नहीं कि पहले पहले पे ए ही बैठेगा, तो इसलिए वो मल्टीप्लाई भी होता है, लाइक आई ड्रेव द प्रीवियस फिगर। तो ये इसको फिर से आप 5 factorial बोल सकते हैं, एंड 5 factorial या 10 factorial का मतलब ये होता है कि 10 से लेके 1 तक मल्टीप्लाई कर देना। दैट डजंट मीन अभी टू यू एनीथिंग, अभी हम सिर्फ इस पे बात कर रहे हैं कि हम काउंट कैसे कर रहे हैं। सिमिलरली मुझे बताओ कि 10 बच्चे हैं, I am changing a situation little bit, but दोनों exhaust ही होंगे। 10 बच्चे हैं, first, second, third prize देना है। In how many way I can give them the prize? अब यहाँ पहले मुझे समझाओ कि कौन सा exhaust हो रहा है? Prizes. और person भी ना, देखो पिछला बार जो case लिया था मैंने, 3 competition लिया था। लॉन्ग जंप, हाई जंप, मतलब सॉरी रनिंग जंप और जेवलिन, उसमें क्या था कि एक ही एथलीट तीनों जीत सकता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा ना कि एक ही स्टूडेंट फर्स्ट भी किया और एक ही स्टूडेंट सेकंड भी किया। यस सर। तो इसका मतलब स्टूडेंट भी एग्जॉस्ट हो रहा है, मतलब किसी एक स्टूडेंट को आपने, मतलब स्टूडेंट ए को आपने फर्स्ट प्राइज दे दिया, तो अब स्टूडेंट ए को आप सेकंड प्राइज नहीं दे सकते, यानी स्टूडेंट भी एग्जॉस्ट हो गया, और ना ही स्टूडेंट बी को आप सेकंड प्राइज, फर्स्ट प्राइज दे सकते हो, क्योंकि फर्स्ट प्राइज तो एक को मिल गया।
इस केस में भी दोनों ही एग्जॉस्ट हो रहे हैं, तो अब इसमें अगर काउंटिंग करनी है तो किसके पर्सपेक्टिव से करेंगे बताओ, जो कम वाला है, क्योंकि एग्जॉस्ट तो दोनों ही रहा प्राइस के हिसाब से। फर्स्ट प्राइस देने के कितने तरीके हैं, ऑप्शंस हैं? 10, 10, 10। सेकंड प्राइस के कितने होंगे फिर? 9। हाँ, थर्ड प्राइस के कितने होंगे? 8। ऑफ कोर्स 10 × 9 × 8 हो गया 8। ये हमारा हो गया जब दोनों एग्जॉस्ट होते हैं और ये कम भी है ना। तो कम का जो केस है इसमें एक एक और कम का केस में कर देते हैं, जैसे ठीक है एकदम आज वाली लेक्चर को दोबारा देख लेना, कल तुमको इसका बहुत यूज दिखेगा। ए बी सी डी ई एफ जी, 7 लेटर्स है मेरे पास, एंड यू बीन आस्क्ड टू मेक 4 लेटर वर्ड्स विदाउट रिपीटेशन। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आप वही सिचुएशन क्रिएट कर लो कि 4 आपके पास बॉक्स है, उसमें 4 लेटर डालने हैं। अब यहाँ पे कौन सा एग्जॉस्ट हो रहा है बोलो, लेटर की बॉक्स? बॉक्स तो दोनों, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो अगर आप ए अगर रखते तो पहले जगह पे, तो ए को दोबारा नहीं रख सकते। तो इसमें किसके पर्सपेक्टिव में काउंट करना चाहिए, प्लेस को लेकर कि लेटर को लेकर? प्लेस। गुड, तो पहले प्लेस पे कितने ऑप्शंस है हमारे पास? 7। दूसरे प्लेस पे कितने ऑप्शंस है? 6। तीसरे प्लेस पे कितने ऑप्शंस है? 5। और चौथे पे? 4। तो टोटल हो गया, और चूंकि ये इंटरचेंजेबल है तो टोटल हो गया 7 × 6 × 5 × 4। ये हमारा हो गया। अब क्या किया लोगों ने, इसको तो समझदारी क्या की कि इसको, इस पूरे जो प्रॉब्लम है इसको ना ऐसे सोच सकते हो कि हमें 7 आर्टिकल्स को अरेंज करना है टेकिंग 4 एट ए टाइम। दोनों बात एक हो गई, अरेंज 7 आर्टिकल टेकिंग 4 एट ए टाइम, ये वाला स्टेटमेंट और ऊपर वाला प्रॉब्लम सेम दिख रहा है तुम लोग को? यस सर। हाँ सर। और लोगों ने क्या किया, मतलब लोग कहने, मतलब कि जो हमारे पूर्वज थे, पूर्वज मतलब बहुत ज्यादा पूर्वज में चल नहीं चल जाना, नियर पूर्वज, इसको कंप्लीट कर दिया 3 × 1 से मल्टीप्लाई करके, नीचे भी 3 × 1 से डिवाइड कर दिया 3 × 2 × 1 से। तो कोई चेंज तो नहीं है ना आंसर में आपका? नहीं। तो ये आपका बन गया 7 factorial डिवाइडेड बाय 3 factorial, और 3 को आपने, चूंकि 4 वाला मैंने क्या किया, ये जो आपका है ना आंसर आया हुआ है 7 × 6 × 4 × 1 7 × 6 × 5 × 4, इसको 3 2 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे डिवाइड भी कर दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया ना, मतलब आंसर तो चेंज नहीं हुआ ना आपका? सर नीचे और ऊपर कट भी तो कर सकते हैं। हाँ, तो कट कर देंगे तो फिर ये मिल जाएगा तुमको आंसर, मिल जाएगा अपना। हाँ हाँ। कभी कभी हम बढ़ाते क्यों है किसी चीज को, कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री में याद नहीं, हम कंस्ट्रक्ट करते हैं कभी कभी आंसर लाने के लिए, तो कभी कभी ना हम फॉर्मूला बनाने के लिए कुछ कुछ को बढ़ा देते हैं। तो ऊपर वाला हो गया 7 factorial और नीचे वाला हो गया 7 − 4 factorial। कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, बस उसी को एक्सटेंड करके ऐसे लिख रहा हूं। तो अगर हम इस स्टेटमेंट को जनरलाइज करके लिखते हैं, अरेंजमेंट ऑफ एन थिंग्स, अच्छा अरेंजमेंट को हम दूसरा वर्ड ले लेते हैं, ऑफ कोर्स सिनोनिम्स है लेकिन उस तरह का सिनोनिम्स नहीं है, बट हाँ सेम मीनिंग होता है, परम्यूटेशन ऑफ, परम्यूटेशन का मतलब ऑलमोस्ट अरेंजमेंट ही होता है, ठीक है सर यही रख लीजिए, परम्यूटेशन ऑफ एन थिंग्स taking r at a time,
आर एट ए टाइम, जहां पे जैसे इस केस पे सेवन एन है और फोर आर है, तो इसी फॉर्मूला को जो ये आया हम उसको जनरलाइज कर सकते हैं, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल, और इसी को एन पी आर बोलते हैं। मैं सिर्फ यहां पे लिख रहा हूं, आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू अगेन टुमारो, ठीक है, बट यही चीज है जो आपका दोनों एग्जॉस्ट हो रहा है उस केस में जब एक चीज बड़ी है और एक चीज छोटी है, तो हम कैसे उसको एनपीआर बोलते हैं वो समझने वाली बात है, ठीक है। तो अब इसके कंटिन्यूएशन में हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन भी और उसके बाद प्रॉब्लम्स भी।